कि ब्रेजा कार के बाद बाइक से जिस तरीके से अमृतपाल भागा था वो तस्वीर भी कल हमने आपको दिखाई थी। अब जालंधर से 45 किलोमीटर दूर दारापुर से ये बाइक बरामद की जा चुकी है और ये तस्वीर सामने आ चुकी है कि किस तरीके से अपनी लोकेशंस को बार बार अमृतपाल बदलता जा रहा है और कैसे अपना हुलिया बदलता जा रहा है, कैसे गाड़ियां बदलने के साथ साथ बाइक पर सवार होकर जालंधर से 45 किलोमीटर दूर दारापुर में ये बाइक मिली है, उसी आधार पर ये पूरी मूवमेंट को ट्रैक और ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ब्रेजा कार के बाद इसी बाइक से अमृतपाल भागा था। हालांकि अमृतपाल से जुड़ी बड़ी खबरें लगातार TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से जांच का दायरा उन तमाम बड़े खुलासों के बाद बढ़ता जा रहा है, जहां अब न सिर्फ उसके फंडिंग को लेकर सवाल उठाए गए बल्कि जिस तरीके से वो लगातार भागने की कोशिश कर रहा है, भारत छोड़ भागने की फिराक में है, पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उसके तहत बॉर्डर पर भी अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन आज एक और बड़ी खबर आई है जहां अमृतपाल के अमृतसर वाले घर पर पुलिस पहुंच गई और अमृतसर के जुलूपुर खेड़ा के गाँव की ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर पुलिस ने आज तलाशी की है। हालांकि यहां पर बड़ी बात यह है कि अब परिवार वालों से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अमृतसर वाले घर पर पुलिस की टीम जब पहुंची वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां अब गांव में भी लोगों से पूछताछ की जा रही है जबकि परिवार वालों से भी अब पुलिस सवाल जवाब कर रही है। परिजनों से की जा रही पूछताछ के बाद क्या बड़े खुलासे हो रहे हैं क्योंकि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को लेकर अभी तक की जांच के बाद न सिर्फ बड़े खुलासे उसकी फंडिंग को लेकर बल्कि उसके पूरे नेक्सस को लेकर हुए हैं। उसी के तहत जालंधर में भी जगह जगह पर तलाशी के बाद बड़ी खबरें आई हैं। अब जालंधर में अमृतपाल और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। गुरुद्वारा के ग्रंथी ने कई धाराओं में मामला दर्ज करवा दिया है और गुरुद्वारे में अमृतपाल ने जिस तरीके से कपड़े बदले, भेष बदला, उसको लेकर भी पहले खुलासा हो चुका है। अब अमृतपाल ने किस तरीके से ग्रंथी की तरफ से यह कहा गया कि अमृतपाल ने मेरी कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी थी, उसी के बाद अब गुरुद्वारे में ही ग्रंथी के साथ जिस तरीके से यह व्यवहार हुआ और जब उसने अपना भेष बदला, अपने कपड़े बदले, गुरुद्वारे के ग्रंथी की तरफ से अब कई धाराओं के तहत केस दर्ज करा दिया गया है। अब अमृतपाल सिंह की पत्नी किरण दीप को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल की एक्टिव मेंबर है किरण दीप। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर, जहां 2020 में खालिस्तान मुहिम के लिए फंडिंग के आरोप में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ब्रिटेन की ये नागरिक है अमृतपाल की पत्नी किरण दीप कौर और अब इन पर भी शिकंजा कसता जा रहा है और शक के दायरे में अमृतपाल की पत्नी अमृतपाल सिंह की पत्नी किरण दीप कौर की तस्वीर तो आपको दिखाई लेकिन अब जिस तरीके से इनके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है बड़े खुलासे इसको लेकर हो रहे हैं जहां किरण दीप पर कस सकता है भारतीय जांच एजेंसी का शिकंजा और इनकी भूमिका को लेकर जांच हो रही है। अमृतपाल किरण दीप का मकसद एक ही था और दोनों पंजाब में खालिस्तान की मांग को हवा देने में जुटे हुए थे। हालांकि किरण दीप पर आपको बता दें कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया से फंड जमा करने के भी शक हैं और महत्वपूर्ण यह है कि हवाला के जरिए या चंदे के तौर पर यह फंड जुटाया जा रहा था। अब लंदन में रहते हुए कैसे किरण दीप बब्बर खालसा इंटरनेशनल की एक्टिव मेंबर थी उसको लेकर भी जांच की जा रही है। हालांकि किरण दीप के संबंध बब्बर खालसा के आतंकी परमजीत सिंह पम्मा से भी बताए जा रहे हैं और उसी आधार पर आगे मामले की जांच हो रही है। किरण दीप के तमाम बैंक अकाउंट्स, 2 साल में मनी ट्रांजैक्शंस की भी अब जांच शुरू की जा चुकी है। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, क्विक अपडेट जानना चाहेंगे जांच का दायरा बढ़ते हुए लोकेशन और परिवार वालों के साथ हो रही पूछताछ को लेकर लेटेस्ट अपडेट। जी बिल्कुल, देखिए अमृतपाल सिंह की जो लोकेशन है वो फिलहाल अभी पंजाब से बाहर बताई जा रही है। हालांकि जिस प्लेटिनम बाइक का उसने इस्तेमाल किया था वो बाइक अब से कुछ देर पहले दारापुर इलाके में एक नहर के पास से बरामद हो चुकी है और जहां तक परिवार की बात है अब से कुछ देर पहले
माफ कीजिएगा, दो डीएसपी रैंक के अधिकारी अमृतपाल सिंह के जल्लूपुरा स्थित आवास पर पहुंचे। वहां पर उसके जो परिवार था उनसे तकरीबन एक घंटे तक पूछताछ की गई, अमृतपाल की लोकेशन जानने की कोशिश की गई और साथ ही जो किरणदीप है उसके बारे में भी सवाल जवाब किए गए, जो कि अमृतपाल की पत्नी है। और साथ ही ये भी पता चला है कि अमृतपाल की जो पत्नी है किरणदीप, उनका भी इस पूरे मूवमेंट में एक अहम रोल बताया जा रहा है। साथ ही फंडिंग से लेकर तमाम आरोप उनके ऊपर लग चुके हैं। इसके अलावा जाहिर सी बात है आने वाले समय में जो जांच का दायरा है अब वो धीरे धीरे परिवार तक भी पहुंचने लगा है, यानी कि किरणदीप तक भी अब ये जांच का दायरा पहुंचने लगा है। जितेंद्र, बड़ी बात आपने बताई है, लेकिन जांच का दायरा बढ़ रहा है, वक्त इसमें लगेगा, एक बड़ा नेक्सस है जिसे ट्रैक और ट्रेस किया जाना जरूरी है। मेरा सवाल उस लोकेशन के साथ साथ उन तमाम वीडियोस के आधार पर बढ़ रही जांच को लेकर है, जहां खबर आई कि बाइक बरामद की जा चुकी है और ये पूरी गाड़ी से भेस बदलते हुए गुरुद्वारे में अपना हुलिया बदलते हुए बाइक पर सवार होकर बाहर निकलने, कैसे इस पूरे मूवमेंट को ट्रैक किया गया? जी बिल्कुल, देखिए शनिवार रात जब इंटरसेप्ट किया गया था अमृतपाल सिंह को, उस दौरान वो अपनी मर्सिडीज गाड़ी के अंदर सवार था जिसको उसका चाचा हरजीत चला रहा था। उस दौरान बकायदा जो पुलिस की स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसने अमृतपाल की जो मर्सिडीज कार थी उसको पीछे से टक्कर भी मारी थी, लेकिन अमृतपाल वहां से बच निकलने में कामयाब रहा। उसके बाद उसने ब्रेजा कार का इस्तेमाल किया, ब्रेजा कार के बाद वो प्लेटिनम बाइक पर सवार होते हुए साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जो बात आपने कही है बदले अपनी को लेकर एक रिपोर्ट यहां पर दिखाते हैं जितेंद्र, क्योंकि अमृतपाल की ये जो बाइक बरामद की गई है इसमें जो शख्स उसे यहां से भगाने की कोशिश कर रहा है उसको लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट पहले यहां पर देखिए किस तरीके से अमृतपाल की ये बाइक बरामद की गई है। अमृतपाल सिंह की मोटरसाइकिल जिस पर वो आखिरी बार भागा था प्लेटिना, उसको पंजाब पुलिस ने रिकवर कर लिया। आप देखिए अभी फिलहाल मीडिया को देखकर इस बाइक को यहां से हटाया जा रहा है, लेकिन दारापुर है जलंधर से 45 किलोमीटर दूर, वहां पर ये मोटरसाइकिल बरामद की गई है नहर के पास। और इस मोटरसाइकिल पर ताला लगा हुआ था जिसके बाद इस मोटरसाइकिल का ताला खुलवाया गया, नकली चाबी बनवाई गई है और उसके बाद बिलगा जो पुलिस स्टेशन है जालंधर से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर इस बाइक को रखा गया था। लेकिन TV9 भारतवर्ष की जैसे ही टीम यहां पर पहुंची तो इस बाइक को यहां से हटाने का प्रयास किया है पंजाब पुलिस ने। तो अमृतपाल सिंह की अब हम कह सकते हैं कि प्लेटिना पर जब वो भागा अपना भेस बदल कर, तो उसकी आखिरी लोकेशन जो पाई गई है वो बिलगा थाना क्षेत्र जो है वहाँ पर है, जालंधर देहाती जो इलाका है वहाँ पर, जालंधर शहर से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका है। वहाँ पर दारापुर गांव में एक नहर है जहाँ पर वीरान इलाके में नहर के पास ये बाइक थी जिसके ऊपर आखिरी बार भागते हुए देखा गया था अमृतपाल सिंह को।